नहीं सर, लेकिन रात के शेक हो गया था गाइस। ये रहा आईआईटी का तीन ग्राउंड में से, ये पहला ग्राउंड, ये क्रिकेट ग्राउंड है ये वाला, और उसके उस पार है फुटबॉल ग्राउंड, आपको दिख रहा होगा उधर पे। और ये नेट लगा है क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए, और ये बिल्डिंग है बीच में जो कि स्पोर्ट्स अंदर, और भी जैसे बैडमिंटन अगर हो गया वो सब होता है। वो देखिए एरोप्लेन जा रहा है, मस्त, पता नहीं कैप्चर हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। ये ग्राउंड अगर का रेगुलर मेंटेनेंस होता है तो इसीलिए सब ग्राउंड काफ़ी सही है। और ये बिल्डिंग देखिए, ये अभी बनाया है, पहले नहीं था, उतना बड़ा नहीं था ये, पहले छोटा सा ही था सब मैं तो। अंदर में बैडमिंटन और अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, इंडोर स्पोर्ट्स के लिए बनाया है। ये 2022 देखिए, 1 अप्रैल 2022, ये अभी इनॉग्रेशन हुआ है ये बिल्डिंग का। इधर पे मित्तल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लब, ये रहा क्रिकेट और ये रहा एथलीट ग्राउंड। पहले बस ये एक छोटा सा था, अभी 2022 में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये इधर से हम आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे धूप बहुत अच्छा पड़ रहा है, गर्मी में यही धूप चुभती है और ठंडी में यही धूप के लिए हम तरसते हैं। और ये रहा एथलीट ग्राउंड, ये अंदर हॉकी होता है, ये जो बीच में हॉकी गोल पोस्ट है, और ये इधर से रनिंग के लिए ट्रैक बना है, 400 मीटर का ट्रैक है। अभी रिसेंट में इंटर IIT हुआ था, दिल्ली में हुआ था ये इंटर IIT, काफ़ी सारे अंदर में काफ़ी जगह हुए बिल्डिंग में स्पोर्ट्स वाली अंदर में। और फिर अभी हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे सीधा फिर से गर्ल्स हॉस्टल। रात वाला शूट अच्छे से नहीं हो पाया था गर्ल्स हॉस्टल का, थोड़ा शेकी इमेज आप देखे ही होंगे। गर्ल्स हॉस्टल वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो वो वाला वीडियो भी देख लीजिए रात में। बट अभी जो हम दिखाएंगे उसमें आपको और ज़्यादा अच्छा क्लियर व्यू दिखेगा, क्या पता गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियाँ भी दिखते हैं इस टाइम पर, मज़ा ही आ जाना है फिर तो। विदाउट गर्ल्स हॉस्टल, विदाउट लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल मतलब ही क्या, तो हॉस्टल हो गया ना, गर्ल्स हटा तो उसमें से। चलिए चलते हैं गर्ल्स हॉस्टल। और आज का प्लान है, बीच में देखिए इधर पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ट्रैक से चलेंगे तब सर। उससे पहले ही ये मित्तल स्पोर्ट्स बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ। तो गाइस आज का प्लान है कि 2-3 लहंगा उठाना है शॉप से, और फिर आज दिल्ली का स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। मैं और बची जा रहे थे, वहाँ से पूछा, वो बोला कि उसका थोड़ा पेट खराब चल रहा है तो वो नहीं जाएगा, तो मैं और बची बस जाएंगे। कहीं GT भी नगर कुछ है एक आगे येलो लाइन में, वहीं पे काफ़ी सही बर्गर पिज़्ज़ा मिलता है, तो वहीं पे आज स्ट्रीट बर्गर और पिज़्ज़ा खाएंगे। आज धूप, आज ठंड उतनी नहीं है ना, धूप आज तेज है, कल से थोड़ा टेम्परेचर जो है बढ़ा है, तो टेम्परेचर बस कम ही हो रहा था, बट रिस्क तो नहीं दिया जा सकता। ये ऐसा मौसम होता है कि जैकेट पहने तो गर्मी लग रहा है, उतार दे तो ठंडी लग रहा है, इंसान पहने तो पहने क्या, जैसे इंसान सोता है ना, दोनों पाँव अंदर डाल लो कंबल के तो गर्मी लग रहा है,
तो वैसे ही एक पांव बाहर निकाल लो, एक पांव अंदर डाल लो, वैसे ही चले इंसान। आधा जैसे लड़कियों का फैशन चलता है ना, एक एक तरफ डाल लो आधा और एक तरफ ऐसे लटका घूमो, वही वाला सीन है यहाँ पे। ये रहा स्टाफ कैंटीन, यहाँ से स्टाफ कैंटीन का भी मैं वीडियो डाल दिया हूँ गाइस, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ये रहा रास्ता स्टाफ कैंटीन के लिए, ये बीच में रोड में पता नहीं क्यों बनाया है। स्केटबोर्ड चलाने में दिक्कत जाता था यहाँ पे, ढंग से नहीं चलता था इतना दूर। यूलू देख रहे हो गाइस, छोटा सा गाड़ी बैटरी वाला, आईटी के अंदर यूलू चलने लगा। बेंगलोर में खूब चलता है यूलू, ये जो आप नीला वाला भी आप जाते हुए देखे, इसको बोलते हैं यूलू। एक स्टार्टअप है बेंगलोर का, बेंगलोर का है ना, बेंगलोर का, वहीं पे सबसे पहले शुरू हुआ था, तो वहाँ से काफ़ी सही चल रहा। शुरू में लगा था क्या ही चलेगा, मैं पतला सा, और फिर उसके बाद ये देखिए आज क्लासेस, अगर एग्ज़ाम अगर चल रहे हैं शायद, काफ़ी भीड़ है। डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब होता है, वो शायद वो जो झंडा है यहीं पे हुआ है सेंट्रल वर्कशॉप में। एलएक्सी भी ऐसे वही है आपका, एलएक्सी भी ऐसे बाहर से कवर कर ही देते हैं। हाँ बाहर ही रहें तो सब एक साथ हो ही जाए। वहाँ से ऑटो कर लेंगे क्या, हॉस खास के लिए सीधा, नहीं तो पूरा चल के जाना पड़ेगा। मेट्रो स्टेशन नहीं है तो गेट से आई टी मेट्रो, अरे तू ही तो बोली थी नहीं है करके, एलएक्सी जा रहे हैं। पहले प्लान था कि डायरेक्ट हम निकल जाएंगे उधर पे, बट बीच में हमने सोचा कि एलएक्सी का शूट रह गया था, तो आपको लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स दिखाएंगे रहते का। पुरानी क्लासेस होती थी बट अभी तक सही से क्लासरूम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हॉल जैसे लग तो रहा है यार, गर्मी तो लग रहा है। क्या करना है, मेरा एसबीआई घर ले जाके क्या फायदा, ये साइकिल पार्किंग वगैरह और यहाँ से जाते हैं लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, ये भी पूरा पार्किंग है घर पे। ये उधर पे SBI का ब्रांच है IIT दिल्ली का, इधर पे हर स्टूडेंट को एक अपना अकाउंट बनाना ही पड़ता है, मतलब SBI में ऑलरेडी है तो नहीं लगता, बट अगर जिसका नहीं है तो उसके लिए हो जाता है नेक्स्ट अकाउंट। क्लास छुट्टी है या फिर एग्जाम चल रहा है, कुछ तो है। ये टाइमिंग नाइसली लग रहा है, ये भी लेक्चर टाइमिंग है, तो लेट अस सी आपको अंदर से कैसे दिखता है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दूंगा, फुल गार्ड है। गाइस ये हम आ चुके हैं लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स के अंदर में, ये इधर पे देखिए, ये आप देखे होंगे जब आपकी वो होती क्लास लेक्चर, फिलहाल आपको बड़ी सी क्लास में दिखाते हैं। लेट्स सी ये यहाँ पे हमेशा क्यूरी सी होती है, बड़ा सा क्लासरूम दिखाता हूँ, ये काफ़ी बड़ा सा क्लासरूम है। ये देखिए प्रोजेक्टर, तीन चार ये सब स्टूडेंट्स, अगर काफ़ी बड़ी सिटिंग एरिया वाला सेमिनार हॉल है IIH 1 1 4, ऐसे ही नीचे में काफ़ी सारे हैं। तो चलिए आपको ले करके चलते हैं सीधा ऊपर, हम आ
चुके हैं थर्ड फ्लोर में, यहाँ पर से ये वाला होगा इधर से। हाँ, तो जो आप पैडमैन में एक मॉन्यूमेंट देखिए कि लेक्चर चल रहा है प्रोफेसर का अंदर, तो एक खाली बिल्डिंग ये यहाँ पे एक, ये देखिए, ये आप देखे होंगे बिल्डिंग मूवीज अगर में, ये इधर से ये बहुत सही दिखता है ऊपर में से लेक्चर हॉल का। यहीं पे इधर पे कुछ काम चल रहा है, यहीं पे जब अक्षय कुमार को फंडिंग नहीं मिलता है वो यहीं पे आकर के रोता है खड़े होकर के सीधा सेमिनार हॉल से। तो ये दो अलग अलग बिल्डिंग को शो किया गया था मूवी में। ये देखिए गाइस, इसके ऊपर जाने हम लोग यहाँ पे जनरली बैठा करते थे लेक्चर ये रूम बना के लेते हो ये अलग है ना, इसमें बैठा करते थे क्या? यही था यार, इसको वो बना दिया शायद। देखना ही नया बना ये गाइस, ये बना दिया है 3-1-5। कौन से रूम में बैठा करते थे पढ़ने के लिए? यही रूम था जिसको इन्होंने चेंज कर दिया। ये बड़ा सा हॉल हुआ करता था पहले। यही था बच्ची जिसको उन्होंने पूरा बदल दिया। देखिए नया भी है, चल ऊपर चलते हैं स्टेट से। तो चलिए आपको ले करके चलते हैं स्टेट से ऊपर। यही है, हम लोग यहाँ पे बैठ के रात रात में पढ़ा करते थे एग्जाम टाइम पे। व्यू दिखाता हूँ बस, ज्यादा ऊपर नहीं जाऊंगा गाइस, और भी कवर करना है, थोड़ा लेट हो रहा है। यहाँ पर से गेट खुला है इधर का कि इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा है। इधर से एक रास्ता है जो इधर जाता है, लॉक लगा रखा है। लिफ्ट से एक ये है रैंप पे, आप इधर से भी जा सकते हैं। चल चलते ही हम नीचे, काफी ऊपर जाएगा फिर लेट हो जाएगा। चलो चलते हैं बस लेट्स सी से। और ये रहा मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट ब्रांच सॉरी डिपार्टमेंट का ऑफिस, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये एक मैकेनिकल का ही सब डोमेन है। ऐसे इधर पे काफ़ी सब डोमेन वाले ब्रांच है, जैसे इधर पे शायद फ्लूट का नहीं है अलग से, हाँ आईआईटी में फ्लूट का नहीं है बट कई जगह में फ्लूट का भी होता है। इसमें बीटेक भी होता है मटेरियल साइंस में। चलो आपको लेकर के चलते गर्ल्स हॉस्टल गाइस। ये गर्ल्स हॉस्टल के बढ़ते हुए इधर से स्विमिंग पूल दिखाया था ना,
सैक गया था टिक बैठा के, तो ये हम फिर से गर्ल्स हॉस्टल जा रहे हैं। तो बच्ची तो यहीं से अंदर जाकर के वहां से नहीं निकलेगी, अंदर ही अंदर, यहीं से अंदर जाकर के अंदर ही अंदर। तो आईडी तो है ही तेरे पास, तो तू भी कर सकता है ना। मैं नहीं जा सकता ना, मैं वहां मिलता हूँ तेरे को। हाँ अच्छा, हाँ गाइस ये सब वॉल पेंटिंग वगैरह है, बल्कि छोटे छोटे पोस्टर पेंटिंग, ये सब जब रेंडेवू अगर होता है तो स्टूडेंट्स लोग बनाते हैं। ये रहा एक होस्टल, यहाँ से हम हैंड ओवर करेंगे कैमरा को बच्ची के हाथों। 11 तारीख का कौन सा डेट है? फिर यहाँ से बच्ची गर्ल्स होस्टल आपको अंदर से दिखाएगी। पेड़ इधर पे एक ही चीज खराब, इधर पे बड़ा सा नाला आ जाता है गर्ल्स होस्टल के बाजू में। इधर से चलो ठीक है। ये है क्या लास हॉस्टल एंट्रेंस?
Yes, explore.
34 मिलेगा कह रहा अच्छा 34 मिलेगा क्या जो खर्चा किया मतलब आज तू और खर्चा करेगा क्या इतना इसका दिल वो नहीं है बड़ा चलो गूज़बम्स आ गया मेरे को अच्छा कुछ कपड़े दे दे तो गाइस ये हम आईआईटी से निकलते हुए ये रहा इधर और ये लेकिन नीचे लाइट लगा है व्लॉग है व्लॉग व्लॉग हाय सुपर मिनी ये रहा मजा लिखा ये रहा है आईआईटी दिल्ली ये रहा और यहाँ से मेट्रो जाते हैं और ये रहा एसडीए मार्केट बहुत महंगा मार्केट है गाइस ये गेट नंबर 1 मेन गेट है आईआईटी का चिप्स खाया हूँ बस